फिल्मों से रिलेटेड से सवाल से पहले मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगी कि वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि वो सिंगर बनना है और इस तरह से हिट पे हिट हिट पे हिट बैक टू बैक गाने हिट हैं। मैंने नहीं कुछ भी डिसाइड किया, ये ज़िंदगी में होता चला गया। मैं सीरियल प्रोड्यूस कर रहा था 16 साल की उम्र में, तो मेरे पिताजी सलमान भाई के साथ फिल्म बना रहे थे उस वक्त। वो फिल्म बनी नहीं, लेकिन सलमान भाई ने कुछ गाने सुने थे मेरे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें फिल्म में ब्रेक दूंगा। और मैं अपनी सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहा था जो बहुत बड़े लेवल पर चल रही थी, 7-8 बड़ी सीरियल्स मैंने बनाई उस ज़माने में 16 साल की उम्र में, अंदाज, अमर प्रेम, निर्मा, जान, दम दमादम, आशिकी, आंगन। तो उसके बाद यूँ हुआ कि सलमान भाई ने मुझे म्यूज़िक के लिए प्यार किया तो डरना क्या में ब्रेक दिया, और वो जो गाना हिट हुआ उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं बहुत आभारी हूँ सलमान भाई का, खान परिवार का, कि वो ब्रेक हुआ और उसके बाद म्यूज़िक की मेरी जर्नी जो शुरू हुई, वरना शायद मैं इतना स्ट्रगल करने जाता नहीं, क्योंकि सीरियल प्रोड्यूसर एज अ सीरियल प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश हो चुका था। तो प्यार किया तो डरना क्या से लेकर फिर आज 650 हिट गाने हो गए, 120 फिल्में हो गई, 100वीं फिल्म टी सीरीज़ के साथ है, 10वीं फिल्म एज एन एक्टर हुई है। तो बहुत कई जो जितने भी ज़िंदगी के पड़ाव थे, पहले गाना एज अ कंपोज़र, पहला गाना आशिक बना एज अ सिंगर, और आपका सुरूर मूवी या एल्बम, आपका सुरूर या रियलिटी शो, सारे पहले जो पड़ाव थे वो सब हिट रहे। तो आगे और बहुत काम मिला, और वो काम को निभाने के लिए जितना हो सके कड़ी मेहनत कोशिश की, और वो ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और वो सब चीज़ें चली। तो वो ये जितनी भी चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं सोच कर नहीं हुई, बल्कि एक ऊपर वाले का करिश्मा, आप लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं, माँ बाप का आशीर्वाद कहीं ना कहीं लगा, जिसकी वजह से ये सब होता चला गया। और पिछली फिल्म एक्सपोजे की कामयाबी के बाद उसमें काफ़ी क्रिटिक्स का बहुत अच्छा साथ रहा, कमर्शियली चली, तो तेरा सुरूर में और मेहनत करने के लिए किरदार में, बिल्कुल रघु के किरदार में, जो अपनी गर्लफ्रेंड तारा को डबलिन बचाने जाता है और उसको निकालता है वहाँ डबलिन प्रिजन से एक एस्केप प्लान के ज़रिए, जो नसीरुद्दीन शाह जी, रॉबिन धर्मराज सैंटिनो जी एक डिवाइस करते हैं, और उसके लिए ये कुछ एक्शन है, सस्पेंस थ्रिलर है, और एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर है कि आप गैस करते रह जाओगे कि अनिरुद्ध ब्राह्मिन कौन है जिसने तारा को फंसाया। शेखर कपूर जी हैं, कबीर बेदी जी हैं। तो लार्जर देन लाइफ, ब्यूटीफुल विजुअल्स, ब्यूटीफुल म्यूज़िक एंड अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं। तो उस कैरेक्टर में रघु के लिए एक शेप में आना ज़रूरी था, तो उसके लिए अगेन बहुत मेहनत की, जिमिंग की, वर्कआउट किया, 8:30-9 बजे के बाद खाना बंद कर दिया बिल्कुल। सो एक अपनी तरफ से जितना हो सके मेहनत की है, एंड वी ट्राइड टू मेड अ प्रोडक्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द फिल्म। नाउ वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू रिएक्ट ऑन द 11th of March। मुझे सिर्फ अगर लोगों की बात करो, जैसे आपने सिक्स ट्रैक बनाया, इतने सारे म्यूजिक आपने ऑलरेडी मेड कर चुका है, ये जो सिक्स ट्रैक ऐड बनाना, यू थिंक सबसे बेस्ट? नहीं नहीं सबसे वैसे वो तो देखिए, मेरे लिए ये था कि जो भी करें वो दिल से करें, मोटिवेटेड रहें। और जैसे म्यूज़िक में हिट के बाद दूसरा हिट बनाने के लिए बहुत सारे और गाने बनाने पड़ते हैं, फिर सैम्पलिंग करते हैं, फिर जो सबको पसंद आता है वही रिकॉर्ड करते हैं, कोई पर्सनल ईगो के हिसाब से काम नहीं करते। उसी तरह से इस किरदार में लीन लुक, एक्शन के लिए सिक्स पैक होना उसके ज़रूरी थे। तो एक कैरेक्टर का लुक होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो एज एन एक्टर मैंने एक्सपोजे से सीखा कि किरदार में बिल्कुल रवि कुमार के लिए मैंने 20 किलो वज़न लूज़ किया, वर्कशॉप्स किए, और उसमें कई चीज़ों में जो लार्जर देन लाइफ 60s का एक एरा था, तो वो कैरेक्टर में जब किया तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली उसकी वजह से, और उससे इंस्पायर्ड हो के रघु में जो कैरेक्टर मुझे करना था उसके लिए ये लुक ज़रूरी था। तो वो एक कैरेक्टर की डिमांड है जिसकी वजह से किया है, बल्कि चैलेंजिंग था, नेचुरली करना बहुत चैलेंजिंग था, कि एक साल में किया बना 6 महीने में भी हो सकता था अगर सप्लीमेंट्स लेता, तो ये चीज़ नेचुरली करने में थोड़ा वक्त लगता है, बिकॉज परहेज बहुत ज़्यादा होता है उसमें। सेम टाइम अगर हम सबके बात करें, यहाँ पे दो मास्टर हैं, एक शेखर कपूर है, नसीर साहब है, कबीर बेदी है, एज एन एक्टर 10वीं फिल्म में क्या कुछ सीख पाया उनसे एज एन एक्टर? देखिए बहुत आभारी हूँ नसीर साहब का, शेखर कपूर जी का, कबीर बेदी जी का, कि उन्होंने हाँ कहा ये फिल्म में काम करने के लिए। और ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने लार्जर देन लाइफ हैं कि उसके लिए इतने दिग्गज एक्टर्स की ही ज़रूरत थी, और
उनसे नज़र नहीं हटती जब आप उनके साथ परफॉर्म करते हैं, तो वो इतने डिटेल्ड में कैरेक्टर में घुस के काम करते हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है। और मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ और बहुत उनके आभारी हूँ कि उन्होंने ये रोल किया, बिकॉज ये जो किरदार है उनको स्क्रीन प्ले वाइज वक्त देना बहुत मुश्किल था एस्टेब्लिश करने के लिए एक कैरेक्टर को, तो न्यू कमर तो कर ही नहीं सकता था बिकॉज उनके जो स्क्रीन प्ले है बहुत फास्ट पेस्ड है और बहुत चीज़ें वो कर रहे हैं फिल्म में, तो उनके कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर कोई न्यू कमर होता तो 15 मिनट के सीन अलग और लिखे जाते, वो था नहीं हमारे पास। तो बिकॉज पिक्चर एक फास्ट पेस्ड थ्रिलर है तो नसीर साहब की कहानी और आगे बढ़ती जा रही है जिस तरह से वो प्लान डिवाइस करते हैं, या शेखर कपूर जी इंडियन एम्बेसडर हैं डब्लिन में, तो वो ऐसी पर्सनालिटी जिनको देखते ही लगे कि हाँ ये वो किरदार हैं, वो बहुत ज़रूरी था। और दे परफॉर्म सो एफर्टलेसली, तो वो सीखा कि इतनी एफर्ट किए बिना परफॉर्म करना वो बहुत बड़ी कला है, और कैरेक्टर में बिल्कुल घुस के। तो हमने थोड़ी बहुत कोशिश की, मैंने ट्राई किया, माय जर्नी इज़ जस्ट बिगन, एंड एक प्रोडक्ट ऐसा बनाने की कोशिश की है कि आप सबको प्रोडक्ट लेवल पर भी पसंद आए, क्योंकि इकोनॉमिकली हमारे म्यूज़िक अच्छा बहुत अच्छा हो गया, और जिस तरह से हमने रिकवरीज की हैं तो वी आर वेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ आर प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग एंड इकोनॉमिक्स वायबिलिटीज़ ऑफ द फिल्म। बट रिलीज़ के बाद बात होती है कि पिक्चर कितनी अप्रिशिएट हुई, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत बहुत खुश हैं इस प्रोडक्ट से, एंड सोच रहे हैं कि और उम्मीद करते हैं कि लोगों को पिक्चर पसंद आएगी। बट सेम टाइम हम लोगों की बात करें, आज भी लोग एक्सपोज की एक एक डायलॉग जी बात करते हैं कि स्टाइल तो बहुत है जी, बस थोड़ा सा अपने आप भर दीजिए जी, इसमें हम वो क्या कुछ देख पाएंगे? देखिए, इसमें वो लार्जर देन लाइफ डायलॉग्स नहीं होंगे, क्योंकि वो 60s का एरा था जहाँ ऐसे कैरेक्टर्स होते थे और रियल थे। यहाँ पर डायलॉग्स हैं लेकिन सटल हैं, जैसे लास्ट में जब अनिरुद्ध ब्राह्मण उसके सामने होता है और वो उसको बोलता है कि मैं इतना बड़ा पागल हूँ कि मैं जानता हूँ कि तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं तारा की बेगुनाही का सबूत हूँ, तब ये रघु उसे कहता है कि तू अपने आप को बहुत बड़ा पागल कहता है, चल पागल पागल खेलते हैं। तो डायलॉग बाजी है लेकिन उस अंदाज़ में है कि आज के सटल लेवल पर जो डायलॉग्स अच्छे लग सके। और मुझे लग रहा है कि इस फिल्म में जिस तरह का एज ऑफ द सीट थ्रिलर है कि फर्स्ट फ्रेम से ही फिल्म अपनी कहानी में ऑलरेडी शुरू हो जाती है कि आपको गैस वर्क रखती है, आपको ग्लूड रखती है, और सुरूर का जो दर्द है कि हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, उसी प्यार के नाम ज़िंदगी कुर्बान, ये जो मैसेज है पिक्चर का, जो सुरूर एल्बम से चला आ रहा है या सुरूर फिल्म में था, तो वो दर्द का एहसास है। रघु और तारा की प्रेम कहानी है लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग थ्रिलर के साथ है, एक्शन के साथ है, डबलिन के बहुत खूबसूरत लोकेशंस है, और बहुत ही टावरिंग परफॉर्मेंसेज हैं नसीर साहब के, शेखर कपूर जी के, कबीर बेदी जी के। फिल्म से हमने देखा कि काफ़ी हार्ड वर्क किया आपने, ट्रेलर में भी वो सब कुछ दिखा, आपने 6-5 ऐप्स की बात की, अभी भी कुछ ऐसे ऐप्स हैं या सब काफी? देखिए, ऐप्स के लिए क्या होता है कि आपको बेसिकली 2 दिन करीबन उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ऑल द टाइम्स आप 6-pack ऐप्स में, इट इज़ नॉट फिट, इट इज़ नॉट हेल्दी, बट येस पूरा खाका उतना रेडी है कि 1 या 1.5 दिन अगर आप उस पर वर्कआउट करो तो वो बिल्कुल शॉट देने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसी तरह से अपना पूरा जो खाका है वो मोर देन रेडी है और मेंटेन किया हुआ है, और अब वेट पुट ऑन करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस कोशिश करूँगा कि वो जो आदत छूट चुकी है 8:30 बजे खाने की वो कभी दोबारा ना लगे। जी जी, देखिए मैं बहुत ही कम काम करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ माय म्यूज़िक, बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड एक बरकरार रखने के लिए कम से कम काम लेकिन अच्छा काम। तो ही आज लास्ट 3 साल के भी जितने भी हिट्स हैं, बॉडीगार्ड हो या तेरी मेरी हो या जुम्मे की रात हो, आइसक्रीम खाऊंगी, दर्द दिलों के कम हो जाते, चलाओ ना नैनों से बांध रहे, गो गो गोविंदा, बलमा, प्रेम रतन धन पायो, सनम तेरी कसम, खींच मेरी फ़ोटो, तेरा सुरूर, बेखुदी, मैं वो चांद, तो ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कम काम और ज़्यादा मेहनत ज़रूरी है। उसी तरह एक्टिंग में भी एक फिल्म से ज़्यादा एट अ टाइम करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज लुक, किरदार, प्री प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग, तो मैं कम काम करके एफर्ट पूरा डालना चाहता हूँ ताकि जो एक्सपेक्टेशंस है उसे पूरी कर सकूँ। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना काम कर लिया है कि अभी जो हर एक साल में एक आध फिल्म एज एन एक्टर, एक आध फिल्म एज अ कंपोज़र, 3-4 गाने एज अ सिंगर, एक आध रियलिटी शो और लाइव शोज, इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहता।
हिमेश जी, आपने अभी जो जितने भी सारे गाने गिनाए सभी गाने हमने देखा हिट हैं, और हमने देखा ट्रेलर 13 करोड़ 5 मिलियन लोगों ने देखा, और मैं वो चाहूँ 4 मिलियन लोगों ने देखा, तो जब इस तरह से लोगों का प्यार आपको देखने को जी क्या फीलिंग होती है उन लोगों के लिए कि आपकी वजह से ही मैं इतना काम कर पाया हूँ, इंस्पायर्ड हूँ, और ये जो वन टू वन कनेक्शन मेरे गानों के ज़रिए, मेरे दर्द के ज़रिए हर इंसान ने जो मोहब्बत किया है, उस मोहब्बत का जो कनेक्शन मेरा और आपका वन टू वन रहा है, उसी की वजह से आज मैं इतना काम कर सका हूँ। और वही दुआ देने 11 मार्च को 13 सुरूर के लिए ज़रूर आइएगा, जिस तरह से आपने सुरूर को हमेशा प्यार दिया है। फारा करीमी भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छा काम किया है उसने, और आपको एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म मिलेगी 11 मार्च को, जो 2 घंटे में आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त थ्रिल, एक्शन, ड्रामा, पैशन, रोमांस एंड एंटरटेन करेगी। डिफिकल्ट क्या होता है आपके लिए जब आप एक्टिंग भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे भी पार्ट है जो आपको टफ लगता है? हर चीज़ टफ लगती है, क्योंकि जब गाने सुपरहिट हो जाते हैं तो नए गाने उससे ऊपर बनाने के लिए टफ लगता है, या अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के जो परफॉर्म करना पड़ता है तो टफ लगता है, और वो टफनेस जो होती है वही मोटिवेट करती है आपको अच्छा काम करने के लिए। बिकॉज आप जब मोटिवेट होते हो तो अच्छी मेहनत करते हो, अपना फुल ऑन देते हो, एंड एज ए न्यू कमर आई कीप ट्राइंग, एंड बिकॉज फॉर मी एक मंत्रा मैं फॉलो करता हूँ, माई जर्नी हैज़ जस्ट बिगन। आपके अगर म्यूजिक बैंक की बात करें, लाखों होगी जो आपके बैंक में, तो कैसे चूज करते कि मुझे इस फिल्म में म्यूजिक डालना है? देखिए, मैं करीबन 800-900 गाने मेरे पास होते हैं, फिर हम सबको सैम्पल करते हैं, बहुत लोगों को म्यूज़िक मैं अपने दोस्तों को भेजता हूँ, किसी को मिलता हूँ तो सुनाता हूँ, एंड हम रिएक्शन लेते रहते हैं। बहुत ही बोरिंग सी टफ प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में आपको करेक्ट रिएक्शन मिल जाता है, क्योंकि 40-50 लोगों का सैम्पल होता है, वो बहुत ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, बिकॉज अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ तो आपके मुँह पर भी वो बिल्कुल कह सकते हैं कि हमें नहीं पसंद है, अच्छा नहीं है, या जो भी है, तो उसकी वजह से एक रिएक्शन मिल जाता है, और उस रिएक्शन में हमें जजमेंट मिल जाती है कि किस लेवल तक ये गाना जा सकेगा, और इसलिए सैम्पलिंग होके जब वो गाना आता है तो ऑलमोस्ट एक टेस्टेड सैम्पल होता है, इसलिए ज़्यादातर हिट रहता है ऊपर वाले के अगर आशीर्वाद साथ रहें तो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक ग्रेट गाना जो एक्सपेरिमेंटल तौर पर सैम्पलिंग में रिजेक्ट हो चुका है, वो शायद बहुत ग्रेट हो और वो आगे भारी ना आए, बिकॉज हमारा जो डर होता है कि वो फ्लॉप ना हो जाए, उसके कन्विक्शन में कहीं ना कहीं हमारी पूरी कन्विक्शन नहीं होती और उसे हम कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, तो ये होने का चांस है। लेकिन इस स्टेज पे जो मैं हूँ, एक रिस्क ना लेने वाली स्टेज पे मैं बहुत ऑनेस्टी से बात करता हूँ, इसलिए बात आपको बहुत ही डिटेल में बताई कि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो कभी कभी शायद कोई बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंटल गाना कोई बैंक में हो जो शायद बहुत बड़ा हिट होता है, इनसे ज़्यादा होता है, वो कभी शायद भारी ना आए फिलहाल, फिर आगे का तो आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। बट सेम टाइम जैसे कि म्यूजिक की अगर रीमेक की बात करें, आपके टाइम से स्टार्ट हुआ, आज तो रैपर चालू हो गया, तो डिड यू मिस रीमेक या रैपर? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं तो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, तो तब कुछ नया करते थे, तब ओडली और सर की जो सर से जब सब गाने इंडियन हिट हुए तो तबला ढोलक पे सब गाने करते थे, उसके बाद हम बिल्कुल टेक्नो, जस्ट चिल, मोहब्बत मिर्ची, निकम्मा किया और जनाबे अली, इस किस्म के गाने किए, तो सडनली एकदम वापस ट्रेंड चेंज किया तेरे नाम से बिल्कुल इंडियन म्यूज़िक से, और अगेन कंप्लीट सूफी में दर्द का एहसास के साथ थम्पिंग डीजे की बीट्स डाली आशिक बनाया से, तो अगेन रीवैम्प कुछ अलग कर दिया, और फिर बिल्कुल टेक्नो किया इन हाउस मिक्स जैसा, हुक्का बार एंड ऑल दीज बलमाज एंड दीज टेक्नो सॉन्ग्स, जुम्मे की रात, एंड देन एकदम प्रेम रतन धन पाया वापस, एकदम देसी जो आज कोई नहीं अटेम्प्ट करेगा, और फिर भी यंगस्टर्स को इतना पसंद आ गया, हाईएस्ट डब स्मैश ट्रैक बना, और फिर अगेन सनम तेरी कसम जो एकदम न्यू कमर की फिल्म थी, जिसमें कोई स्टार्स नहीं थे या ट्रैकिंग नहीं था या प्रमोशन नहीं था, तो मैं देखना चाहता था कि म्यूज़िक में क्या वो बात है कि हम उसको पॉपुलर कर सकें, और आज खींच मेरी फ़ोटो भी हिट हुआ, सनम तेरी कसम टाइटल ट्रैक हिट हुआ, और तेरा सुरूर जिसमें मेरी टी सीरीज़ के साथ 100 फिल्म है, तो बहुत म्यूज़िक में वो साउंड डिज़ाइनिंग की, नए गाने भी हैं, पुराने भी है, मैशअप भी है, एंड भूषण जी के साथ जो म्यूज़िक का हमारा ट्यूनिंग रहा है, तो ही इज़ अ मैन विद अ वेरी वेरी बिग विजन, एंड बहुत आज अच्छा जा रहा है म्यूज़िक, तो अच्छा लग रहा है कि एक सेट रिकवरीज हमारी हुई है, एंड नाउ वी आर होपिंग दैट पीपल अप्रिशिएट द फिल्म, बिकॉज फिल्म से हम बहुत खुश हैं, वी लाइक द प्रोडक्ट एंड सम टावरिंग परफॉर्मेंसेज हैं पिक्चर में। जी देखिए, वो तो हमेशा फिटनेस टिप्स देते हैं कि भाई कुछ ना कुछ
चेंज करो अपना रूटीन ताकि बॉडी यूज़ टू ना हो, उस तरह से टिप्स काफ़ी लिए उनसे। और वो तो मेरे भाई हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है तो आज मैं इतना काम कर रहा हूँ। उनका सबसे बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट यही आया कि उन्होंने ट्वीट कर दिया, जैसे ही उन्होंने देखा तो वो मुझे बहुत खुशी हुई एंड मैंने उनको थैंक्स का मैसेज भी किया एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम। वैसे भी उनके बहुत एहसान हैं। तो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी ज़िंदगी में, सलमान भाई का तो ये तो मेंटर हैं, उन्होंने ब्रेक दिया। मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे ये तालीम दी म्यूज़िक की, भूषण जी जिनके साथ 100 फिल्में की, तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। आप मीडिया वालों का जिन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, लोगों का जितना इतना प्यार दिया, तो वो चीज़ के बाद मैं एक्चुअली ज़्यादा कुछ मांग नहीं सकता हूँ। यही कह सकता हूँ कि बस आप दुआ कीजिए, मैं आप लोगों के दुआ करूँगा एंड वी हैव ट्राइड टू वर्क हार्ड, और मेहनत करेंगे। जी अगर हम सॉन्ग की बात करें, आपकी इतने सारी हिट सॉन्ग है, अभी सिंगल ट्रैक के जमाने है डिजिटली, कोई ऐसा सॉन्ग है जो हिट होने के बाद आप उससे खुद एक्टिंग करें तो पर्टिकुलर? देखिए अभी तो सिंगल्स का टाइम है तो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ है, तो अभी डिज़ाइन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ करने का इरादा है अभी सिंगल्स की दुनिया में भी, तो वो मैं करूँगा। जी जैसा कि मैंने जब भी आपसे बात की, आप बहुत एक्सपैक्ट बातें करते हैं और जो दिल में आपको होता है वही जी। ट्रेलर में मैंने देखा है काफ़ी रोमांसिक रोमांटिक अंदाज जी जी। रियल लाइफ में भी देखिए रियल लाइफ में इंटेंसिटी तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं हूँ, सीरियस नहीं हूँ जितना कि लोग समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संजोग में ही मेरी पिक्चरें आई हैं जहाँ पे वो इंटेंसिटी रहती है, और सुरूर मोल्ड में तो डेफिनेटली इंटेंसिटी ही बहुत बड़ा काम करती है। बट आगे चलकर एक अच्छी कॉमेडी वो भी करूँगा एंड लाइट हार्टेड रोल्स भी करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए हम तो दुआ मांगते हैं रात को ऊपर वाले से, क्योंकि फाइनली आपने कितनी भी मेहनत की है उसे सफल करना ना करना ऊपर वाले के हाथ में। और बस मैं ऑफकोर्स जैसे एक आम आदमी एंग्शियस होगा एग्ज़ाम देने के बाद के रिज़ल्ट क्या होगा, वही हमारा हाल होता है कि भाई क्या रिज़ल्ट आएगा, उसके लिए हम बेताब होते हैं जानने के लिए, और दुआ करते हैं कि बस रिज़ल्ट अच्छा हो। और क्या मुझे लास्टली अगर मेरे साइड से आपकी गाने से म्यूज़िक से बहुत लोग डांस करते थे, क्या हम आपको डांस करते इसमें देख पाएंगे? देखिए मैं तो अभी तो बहुत ही बुरा डांसर हूँ, तो अभी तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं आगे चलकर उसके लिए भी मेहनत करूँगा और एक दिन इंशाल्लाह वो भी मेहनत करके दिखाएंगे।